है सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने आज मसूदा में, अजमेर के मसूदा में एक विशाल किसान सम्मेलन किया। विजयनगर में प्राज्ञ महाविद्यालय के बड़ा सारा मैदान है, खेल मैदान, उसमें उन्होंने बड़ा एक किसान सम्मेलन किया। और जाते समय दूदू से जब गुजरे तो उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसे कोई दूदू से ही चुनाव लड़ रहे हो। ये देखिए दूदू के दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि दूदू में गाड़ी से बाहर निकल के आए और ज़बरदस्त नारेबाजी हुई, इनका स्वागत किया गया विजयनगर जाते वक्त। दूदू में पुल के इस तरफ भी स्वागत हुआ, पुल के उस तरफ भी स्वागत हुआ। आप पहले पुल के इस तरफ का दृश्य देख रहे थे, अब दूसरी तरफ का दृश्य देखिए, यानी कि पुल के दोनों तरफ। बाबूलाल नागर का विधानसभा क्षेत्र है, एसटी के लिए रिजर्व है, क्षमा करें, और वहां पर गुर्जर मतदाता बड़ी भारी संख्या में है। वहां पर आज सचिन पायलट का इस तरह स्वागत होना एक मायने रखता है। पिछले चुनाव की याद दिलाना चाहता हूं, 5 साल पहले यही जगह थी दूदू, जहां पर एक सभा हुई थी, बड़ी विशाल सभा, जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ थे, एक साथ थे दोनों, और वहां भी ऐसी बड़ी सभा हुई थी। आज सचिन पायलट अकेले निकल रहे हैं, विजयनगर गए हैं, वो विजयनगर जाकर के उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। अजमेर के सांसद रह चुके हैं वो, इसलिए मसूदा विधानसभा क्षेत्र उसी इलाके में आता है जहां से वो सांसद रहे, लेकिन इसके पॉलिटिकल मायने अलग हैं। पॉलिटिकल मायने ये, राकेश पारीख वहां से विधायक हैं, जो सचिन पायलट के पट शिष्य हैं, यानी कि अगर सचिन पायलट नहीं होते उनके जीवन में तो कभी एमएलए नहीं बन सकते थे, और वो उन विधायकों में से हैं जो मानेसर गए थे, सबसे पहले मानेसर जाने वाला। राकेश पारीख का कोई वजूद नहीं है अलग से, अगर वो सचिन पायलट के समर्थक, उनके आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति नहीं हो तो, और मानते भी हैं उस बात को। उनके पिताजी बड़े पॉलिटिकल लीडर रहे, रामेश्वर पारीख, लेकिन ये सचिन पायलट की वजह से एमएलए बने। और संग्राम सिंह गुर्जर इस इलाके के सबसे बड़े नेता दूसरे माने जाते हैं, जिनको वास्तव में लोग वास्तविक एमएलए मानते हैं, दोनों साथ हैं राकेश पारीख और संग्राम सिंह गुर्जर, वो भी सचिन पायलट के दाहिने हाथ हैं अजमेर जिले की राजनीति में, वो भी इसी इलाके से हैं। और वाजिद चित्ता, जिन्होंने बड़ा चुनाव लड़के निर्दलीय काफ़ी वोट हासिल किए थे पहले, इस इलाके में 28 से 30 हज़ार लोग चीता मेहरात काठात के हैं, जो मुस्लिम हैं, हिंदू थे कभी, कन्वर्ट हो गए। ये मसूद ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर चीता मेहरात और गुर्जर मिल जाए तो कांग्रेस जीत जाती है। राकेश पारीख भी ऐसे जीते हैं, ब्राह्मण भी साथ हो गए, तो यहाँ जातिवाद भी है और हिंदू मुस्लिम तो है ही, लेकिन चीते मेहरात काठात ट्रेडिशनली कांग्रेस के वोटर हैं। इसीलिए एक बार कांग्रेस ने नूरा काठात को टिकट दिया था, सीपीआई से गठबंधन करके नूरा काठात एमएलए बने थे सीपीआई की तरफ से। तो क्या सचिन पायलट अपनी विधानसभा सीट बदलकर मसूदा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आज ये प्रश्न सियासत के गलियारों में गूंजने लगा है सचिन पायलट की इस बड़ी सभा के बाद। और ऐसी सभा जहां चीता मेहरात काठात बड़ी संख्या में, जहां गुर्जर बड़ी संख्या में, और जो सोफिस्टिकेटेड क्लास है वहां की, विजयनगर के व्यापारी वर्ग और मसूदा का और भिनाय का, उसमें बड़ा प्रभाव है व्यक्तिगत रूप से सचिन पायलट का। तो क्या सचिन पायलट टोंक से शिफ्ट करके मसूदा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आज उन्होंने करोड़ों रुपए की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी शिलान्यास किया या उनको लोकार्पित किया है, जो काम राकेश पारीख ने किए होंगे उनका आज उद्घाटन हुआ है सचिन पायलट के हाथों। ये उनकी श्रद्धा भी हो सकती है, हो सकता है कि सचिन पायलट राकेश पारीख के लिए ही भूमिका बना रहे हो सकता है कि सचिन पायलट अजमेर जिले से विधानसभा का चुनाव लड़ें। आइए सुनते हैं क्या कहा सचिन पायलट ने आज विजयनगर में। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी पर निभाया नहीं, जब दिसंबर में चुनाव होंगे, पिछले 25-30 साल से क्या हो रहा है, 5 साल सरकार कांग्रेस की बनती है, 5 साल भाजपा की बनती है, ये लगातार 5-5 साल का क्रम चलता आ रहा है। कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है इस बार कि 2023 में इतिहास रचा जाएगा और पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार याद बनेगी, इसलिए बनेगी कि हम लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। हम लोगों ने काम किया है, 2023 में सरकार बनी कांग्रेस की, सचिन पायलट कह रहे हैं विजयनगर में मसूदा विधानसभा क्षेत्र में, जो इनका अपना लोकसभा क्षेत्र का इलाका रहा है।
पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।